हम यहां से रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन में हम रिजिड बॉडी रोटेशन पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी एंड इट्स रोटेशन। रिजिड बॉडी क्या होती है? सबसे पहले ये डेफिनेशन रिजिड बॉडी की हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। आइडियली रिजिड बॉडी हैव अ डेफिनेट साइज एंड शेप, नो पेयर ऑफ पार्टिकल्स, पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी कैन हैव अ रिलेटिव मोशन। किसी भी ऑर्बिटरी शेप की अगर बॉडी ज़ूम करते हैं तो शेप और साइज डेफिनेट होता है, उसे नहीं चेंज किया जा सकता है, इवन डिफॉर्म भी नहीं किया जा सकता। किसी भी दो पॉइंट्स को यदि आप लें जिन पार्टिकल से मिलकर यह बॉडी बनी है, तो उन दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती है, रिलेटिव मोशन कभी नहीं होता है। क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है, इसलिए उनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकती, रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है, यह हम देख सकते हैं। आइडियल रिजिड बॉडी तो हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि आइडियल रिजिड बॉडी तो आइडियल ही होती है। प्रैक्टिकली तो हम जो वुड है या मेटल है या ऐसी ही दूसरी बॉडीज को रोटेशन में पढ़ते हैं और इनको आइडियली रिजिड बॉडी के इक्विवेलेंट ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहां इनके शाइप और शेप में चेंज का अकाउंट नहीं रखते हम। रिजिड बॉडी की मोशन किस किस तरह से होती है यह देखते हैं। रिजिड बॉडी कैन हैव, रिजिड बॉडी कैन हैव फर्स्ट प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन आपने देखी होगी काइनेमेटिक्स में, जहां ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करता है। अगर प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो क्या होता है, रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी का वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा, सभी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, सबका वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा। एनी पार्टिकल, एनी पार्ट ऑफ द रिजिड बॉडी, एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विल हैव द सेम वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन होती है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। खासकर हम इसी से स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो इसमें किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है, एक्सिस होता है, और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होती है तो प्योर रोटेशनल मोशन कहलाती है। और थर्ड होती है बोथ साइमल्टेनियसली, बोथ द मोशन साइमल्टेनियसली इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यह हमारा एक्सिस हमें फाइंड करना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्योर रोटेशनल मोशन किस तरह से होती है, पार्टिकल्स किस तरह से मोशन करते हैं। क्योंकि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में तो हमने देखा है पार्टिकल सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और सभी की वेलोसिटी वेक्टर सेम होंगे, तो यह प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे कैसे सेकेंड और थर्ड केसेस पॉसिबल होती है। तो सेकेंड केस के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है और किस तरह से रोटेशंस होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि हम इस डायग्राम में इसे लेते हैं ब्लू लाइन को, तो यह हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सपोज इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है रिजिड बॉडी का, तो रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन करेंगे। किसी भी पार्टिकल को देखिए, पार्टिकल्स की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी सर्कल की रेडियस उतनी ज्यादा होगी और सभी सर्कल्स इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में ही होंगे। सभी सर्कल्स के प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे और सभी सर्कल का सेंटर इस एक्सिस से पास होगा। तो आप कोई सा भी पार्टिकल ले, हमने सपोज यह पार्टिकल लिया तो वो इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। हमने सपोज यहां पर पार्टिकल P3 लिया है, सपोज यहां पर P1 लिया है, तो आप इनके करस्पॉन्डिंग सर्कल्स देख रहे हैं और सबके सेंटर्स आप देख रहे हैं एक ही लाइन में है और सभी के प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी आसान है, जो हमें याद रहना बहुत आसान है, देखना
से ही हमें यह बात अच्छे समझ में आ रही है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन किस तरह से होता है। तो हम लिख सकते हैं एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द एक्सेस। फिक्स एक्सिस के केस में भी ऐसा होता है और अगर वेरिएबल एक्सिस है तो भी ऐसा हो सकता है। तो हम देखते हैं एक्सिस वेरिएबल कैसे हो सकते हैं, एक्सिस की पोजीशन चेंज भी हो सकती है और ऐसे एक्सिस कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इसके लिए हम इन डेफिनेशंस पर बेस्ड दो छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगा। एक रॉड एक वॉल और एक फ्लोर के अगेंस्ट रेस्ट में है और फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है यहां पर, अभी रेस्ट में हमने उसे हेल्ड करके रखा है, अब हम इसे फ्री कर देते हैं। तो मोशन किस तरह से होगा आप देखिए, रॉड का एंड जो फ्लोर पर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस में मूव करेगा और पॉइंट बी वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। अब हमने डेफिनेशन क्या दी है, पॉइंट जो होता है सर्कुलर मोशन में आप देखिए किस तरह से मूव करता है। सर्कुलर मोशन में यदि पॉइंट मूव कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो पॉइंट हमेशा वेलोसिटी वेक्टर उसका एक्सिस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर ऐसा है तो यहां पर यह वेलोसिटी वेक्टर वी वाई जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं पर होगा। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और ऑब्वियसली प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में यह हम फिगर देख रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन कहां पर होगा यह कहना अभी पॉसिबल नहीं है, इस लाइन पर होगा यह हम जानते हैं। इसी तरह से पॉइंट ए भी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर हम सर्कल की कंडीशन देखें तो सर्कुलर मोशन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड किसी भी पार्टिकल पी की सपोज, तो वह हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी तरह से यह पार्टिकल की डायरेक्शन आप देखें तो कुछ इस तरह से होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और हम बहुत आसानी से देख सकते हैं यह हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरिएबल है, इस इंस्टेंट पे यहां होगा। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे रॉड की पोजीशन चेंज होती जाएगी, सपोज यहां से यहां आ गई है, नई पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई है, तो आप देखिए यह पॉइंट अभी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब इस लाइन पर होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां देखिए तो यहां होगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन नई केस हो जाएगी इस पॉइंट पर और पहले था इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक और केस देखी जा सकती है, किसी फ्लोर पर यदि हम एक रॉड को फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर एक रॉड को छोड़ देते हैं यहां से मूवमेंट के लिए, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। जब रॉड फॉल होगी तो आप देखिए किस तरह से होगा, एक्सिस फाइंड करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की मोशन देखना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स, तो यह एक्सिस यह पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसी तरह से इस पॉइंट को देख रहे हैं आप, यह एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और उसी तरह से इस लाइन इस मोशन के परपेंडिकुलर मोशन डायरेक्शन यह है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पर होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पर होगा। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन हमारी यहां पर होगी। दो पॉइंट हमें चाहिए, एक पॉइंट हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, और दूसरा पॉइंट जो फ्लोर पर है फ्लोर के कॉन्टेक्ट पर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा और उसके परपेंडिकुलर मोशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने इस तरह से लिए, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस मोशन हो रही है, तो हम और रोटेशन के बारे में समझते हैं। रोटेशनल मोशन का एनालिसिस करने के लिए मैं जहां तक समझता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसके पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें अच्छे से पता है तो हम वहां पर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ लिख सकते हैं,
और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हमने गलत पहचाना तो जो कुछ भी होगा सब कुछ गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं फिक्स केसेस में क्या होता है। यदि आपने किसी पेंडुलम को देखा है तो किसी पॉइंट के अराउंड यदि हम फिक्स कर देते हैं, हिंज कर देते हैं, यहां पर देखिए पिवोटेड है ये और हिंज किया हुआ है या फिक्स किया हुआ है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से होगा पास, परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली इस प्लेन के, यदि हम देखें इस तरह से तो। और हिंज की हुई बॉडी तो हिंज के अराउंड ही रोटेट हो सकती है क्योंकि उससे हमने हिंज पॉइंट पर ही रोटेट होने के लिए फिक्स किया हुआ है। तो यह केस एक हो गई। दूसरी केस क्या होती है, फ्री बॉडीज जो स्पेस में होती है, फ्री इन स्पेस। सपोज मैंने एक बॉडी एज्यूम करी है, फ्री इन स्पेस, फ्री है स्पेस में, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन फ्री है, हिंज किया हुआ नहीं है, इन द सेंस देयर इज नो हिंज, सो इट कैन मूव, इट विल रोटेट ओनली अबाउट द सेंटर ऑफ मास। दिस इज अ COM, हियर COM सेंटर ऑफ मास इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी होगा सेंटर ऑफ मास से पास होगा, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, हियर सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस, सो सेंटर ऑफ मास इज द लोकेशन, I will say it is the location of axis of rotation. तो यहां से axis of rotation pass होगा और यह rotation किस direction में होगा यह तो define करता है कि हम किस direction में impulse दिया है, लेकिन center of mass से ही pass होगा, यह हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर frictionless surface पर हम horizontal plane में किसी body को rotate करा रहे हैं, frictionless surface जैसे table है, उस table पर यदि आपने horizontal प्लेन में किसी बॉडी को मोशन दिया है तो वह भी अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही रोटेट होगी। तो यह आप दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचानने में मैं इसका यूज करूंगा। फिर आगे देखते हम, आइए एंगुलर स्पीड देखते हैं क्या होती है इस एग्जांपल से। इफ व्हील टर्निंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट कंप्लीट 100 रेवोल्यूशन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड इट्स एंगुलर स्पीड इज, एंगुलर स्पीड अब डिफाइन किया है ओमेगा एज ट्वाइस पाई एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, सो वी हैव टू फाइंड एन फर्स्ट, दैट इज 100 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय टोटल इन 10 सेकेंड, सो दिस इज 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो ओमेगा क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू एन, एन इज 10, सो इट इज 20 पाई। How much is 20 pi? Pi is approximately 3.14. So it is 63 radian approximately. So answer is B, 63 radian per second. आइए आगे देखते हैं थ्योरी। आइए यह एग्जांपल देखते हैं हम। A wheel starts from rest and has an angular acceleration that is given by alpha t. Is equal to 6 radian per second to the power 4 t square. The angle through which it turns in time t is given by. हमें angle और omega में relation पता है. Omega is d theta by dt. और हमें alpha की value भी omega के terms में पता होती है, d omega by dt. यदि हम इसे equate कर देते हैं, alpha is d omega by dt को equate कर देते हैं 6 t square से. तो d omega की value हम यहां से find कर सकते हैं. डी ओमेगा हो जाएगा 6t स्क्वायर dt। हमें इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए विद द लिमिट्स, अप्रोप्रिएट लिमिट 0 टू t, सपोज 0 टू ओमेगा। 0 टाइम पर आपको स्पीड गिवन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो 0 टाइम पर ओमेगा 0 है, t टाइम पर ओमेगा जो है ओमेगा है, तो यह ओमेगा जो फंक्शन होगा टाइम का, हम इसे ओमेगा t लिखेंगे। अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा इज सिंपली ओमेगा। इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में हमने कर लिया है, राइट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी 6 टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब डिवाइड बाय 3, दिस इज 2 टी क्यूब बेसिकली, एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 2 टी क्यूब, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हमें मिली 2 टी क्यूब, एंड दिस ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम टी,
टू टी क्यूब। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम इसे इक्वेट कर सकते हैं डी थीटा बाय डी टी से। डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगा टू टी क्यूब डी टी, जीरो टू टी इंटीग्रेट करते हैं, जीरो टू थीटा वैल्यू लेते हैं, थीटा इस एंगल रोटेटेड फ्रॉम जीरो टू टी टाइम, जीरो से टी टाइम के बीच में जो थीटा एंगल हुआ रोटेशन हुआ है वह टाइम थीटा है, थीटा की वैल्यू टाइम का फंक्शन होगी। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन हम करते हैं यहां पर तो हमें टाइम का फंक्शन मिलेगा थीटा भी, टू टी क्यूब, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी टू द पावर फोर डिवाइड बाय फोर होगा और यह होगा टी थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये हो जाएगा टी टू द पावर फोर बाय टू एंड दिस इज द आंसर 1/2 टी टू द पावर फोर रेडियन इज द वैल्यू फॉर द थीटा। द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी पॉइंट्स आउट ऑफ द पेज, अगर पेज के आउटवर्ड्स आपका वेक्टर है इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इन टू द पेज, अगर यह एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है और इन टू द पेज आपका एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो क्या होगा, दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा है अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट अगर वेक्टर की डायरेक्शन है तो यह स्लोइंग डाउन होगी, रिटार्डिंग होगी, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, स्पीडिंग, स्पीडिंग अप होना और रिटार्डेशन होना एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेना से रिटार्डेशन इज देयर, यहां भी रिटार्डेशन होगा, एंगुलर रिटार्डेशन होगा, द बॉडी इज स्लोइंग डाउन, द बॉडी स्पीडिंग अप नहीं होगा, द बॉडी स्टार्टिंग टू टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, स्टार्टिंग टू टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ओमेगा जीरो नहीं है, ओमेगा अगर अल्फा कंटिन्यूस वर्क करता है तो थोड़े टाइम बाद डेफिनेटली ओमेगा जीरो होगा और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वो चालू होगा, तो यह ओमेगा के डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी और वह अल्फा के डायरेक्शन में हो जाएगी, जैसा कि हम देखते हैं किसी इंस्टेंट पे जाकर यह ऑब्जेक्ट रुक जाता है और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मोशन चालू हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में था ही, इसी कारण से अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर भी हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, ओमेगा जीरो नहीं है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग ओरिएंटेशन, अभी हम एक्सिस को चेंज करना नहीं सीखे हैं, यहां पर यह क्वेश्चन देखते हैं हम, यहां से हम कुछ क्लियर कर सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स। अ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड स्पिन्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एज टाइम गोज ऑन द एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर अ पॉइंट ऑन द रिम, एज टाइम गोज ऑन द एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर द पॉइंट ऑन द रिम, रिम पर किसी पॉइंट को देखते हैं हम यहां पर, तो एक्सेलरेशन तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वी विल से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम देख रहे हैं वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो वो वेक्टर चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ए टेंजेंशियल इज अल्फा इंटू आर, वाइल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यदि हम देखें तो वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन ए टेंजेंशियल नॉन जीरो है, देखेंगे कि हम नॉन जीरो है, इसका मतलब वी इज इंक्रीजिंग, वी इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में है सपोज, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज हो गया है तो आप उसको लंबा वेक्टर बनाएंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो फिर से टुवर्ड्स रेडियस की तरफ मूव करेगा, अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता चला जाएगा तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स रेडियल होता चला जाएगा, तो आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड बिकम मोर नियरली टेंजेंट टू द रिम, टेंजेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में तो ये टेंजेंशियल होने ज्यादा होता है तो ऐसा होता है, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड बिकम मोर रेडियली, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन का
वेक्टर सम है और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का वेक्टर इंक्रीज होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ भी इंक्रीज होगी, इसलिए आंसर इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड बिकम मोर नियरली टेंजेंट टू द रिम, नहीं नियरली रेडियल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा आंसर हमारे लिए, और सही आंसर ये इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बिकम्स मोर नियरली रेडियल, जिससे जिससे ए सी बढ़ेगा ए की डायरेक्शन ए सी के पास पास होती जाएगी नियरली मोर रेडियल। सो द आंसर इज दिस। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना कैलकुलेट करना बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है आफ्टर द एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन फाइंड कर लिया आपने तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा और फिर टॉर्क भी फाइंड करना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्ड इनर्शिया का मीनिंग हमने लॉज ऑफ मोशन में देखा था, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ द मास। सो मास इज द इनर्शिया अगेंस्ट द मोशन, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यहां पर रोटेशनल मोशन का जो इनर्शिया है उसे रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो मैं इसे कह सकता हूं रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन में आप देखें, आपने एक दरवाजे को, जब अपन घर के दरवाजे को हम लोग ओपन करते हैं और एक खिड़की को ओपन करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। खिड़की का मास ऑब्वियसली कम है लेकिन हम देखेंगे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने में हमें ज्यादा टॉर्क या ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है इन द केस ऑफ डोर, खिड़की की केस में यह कम होता है। तो हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन इंट्रोड्यूस करने में हमें ज्यादा एफर्ट्स करना होंगे। जिस तरह से हायर इज द मास हायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस है मास का, जैसे कि हमने लॉज ऑफ मोशन में देखा है। तो मास का एनालॉगस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। और हम यहां पर देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाता है एक पार्टिकल के लिए किस तरह से होता है। सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जहां तक पार्टिकल की बात की जाती है, पार्टिकल का कोई साइज नहीं होता। यदि कोई पार्टिकल किसी एक्सिस से डिस्टेंस हम लेते हैं आर, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उस पार्टिकल का मास लेते हैं हम, साइज तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल माना जाता है, पार्टिकल का मतलब ही ये होता है कि साइज नेग्लिजिबल हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लार्जर द डिस्टेंस लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्जर द मास लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास केवल इनर्शिया का मेजर होता है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लीजिए दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, मास प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी तरह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यदि है, अगर हमारे पास एक्सिस यह है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल सपोज एम वन एज ए पार्टिकल विद डिस्टेंस आर वन, इसके लिए रेडियस हो जाएगी आर टू, एम टू इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल, सपोज एम थ्री इज द अनदर मास सिचुएटेड डिस्टेंस आर थ्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस से, ऑब्वियसली यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और यह उस सर्कल की रेडियस होगी जिस सर्कल में यह सिस्टम रोटेट होता है, यह पार्टिकल्स रोटेट होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। सपोज हमने यह एम फोर लिया। और यहां एक महत्वपूर्ण बात हमें यह समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पर, कितना डिस्टेंस है उसका एक्सिस से, यह नहीं कि वह लेफ्ट में है राइट में है या अपोजिट और किसी डायरेक्शन में है, किस एंगल पर है उससे कोई मतलब नहीं है। इनका आपसी एंगल कितना है, m1 m2 किस डायरेक्शन में है, r1 r2 वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो इनर्शिया सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, एक का इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर है तो दूसरे का m2 r2 स्क्वायर है, तीसरे का m3 r3 स्क्वायर है। इस तरह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर फ्रॉम आई वन टू एन, फ्रॉम आई वन टू एन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सबसे बड़ी बात, पार्टिकल्स मतलब मास तो होगा लेकिन साइज हम नेग्लिजिबल लेते हैं और सबके डिस्टेंस एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी वह अलग अलग होगी। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि यहां एक्सिस से किस साइड में है इससे कोई मतलब नहीं है,
या लेफ्ट में है, राइट में है, या और किसी डायरेक्शन में है, लेकिन परपेंडिकुलर होना डायरेक्शन ही ली जाती है। लेकिन डायरेक्शन आप देखें 360 एंगल कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में एंगल 180 देख रहे हैं हम, हो सकता है 90 डिग्री पर हो इस डायरेक्शन में कहीं पर हो या और किसी डायरेक्शन में हो, ये डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर होगी या डिस्टेंसेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिपेंड करता है कि डिस्टेंस है कितनी, डिस्टेंस ज्यादा होना या कम होना डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जरूरी है, न कि किस डायरेक्शन में है, यानी यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल या और कोई एंगल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो जिस तरह से मास जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए हम आगे देखते हैं, थ्री आइडेंटिकल बॉल्स आर टाइड बाय लाइट स्ट्रिंग्स टू द सेम रॉड एंड रोटेट अराउंड इट एज शोन बिलो, रैंक द बॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर रोटेशनल इनर्शिया लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट रैंक करना है हमें। थ्री आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स है तो तीनों को मास जो होगा इक्वल होगा, और इनर्शिया की वैल्यू हम जानते हैं, इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। अगर बॉल्स का साइज अगर हम देखें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और पॉइंट मास की तरह से ट्रीट करें, तो आई एम आर स्क्वायर यहां हम ले सकते हैं। साफ देख रहे हैं एम सबके लिए कांस्टेंट है, आर सबके लिए जिसके लिए ज्यादा होगा वही ज्यादा इनर्शिया मेंटेन करेगा, रोटेशनल इनर्शिया मेंटेन करेगा। तो आर कम है यहां, या इंक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, 1 2 3 हमारा ऑर्डर होना चाहिए इंक्रीजिंग का, रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 ऑर्डर में। तो आंसर ए इज करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन इज देयर विच शोज दैट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इंक्रीजेस रोटेशन रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीजेस। ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इससे हमें रोटेशनल इनर्शिया का फॉर्मूलेस क्लियर होना चाहिए। फोर आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास एम आर अरेंज्ड इन एक्सवाई प्लेन एज शोन, दे आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिक्स टू फॉर्म ए रिजिड बॉडी, पार्टिकल्स आर दिस। सबसे बड़ी बात पार्टिकल है, इससे साइज इंपॉर्टेंट नहीं होगा उनका, और पार्टिकल्स, और अगर बड़ी पार्टिकल्स हैं, बॉल्स हैं या स्पीयर्स हैं, तो उनकी डेफिनेट रेडियस होगी और वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना होगी। लेकिन यहां पर हम सिर्फ पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे उनका साइज बड़ा दिखाई दे रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर कनेक्टेड बाय लाइट स्टिक्स टू फॉर्म अ रिजिड बॉडी, इन स्टिक्स का मास नेग्लिजिबल है। इफ एम इज 2 kg, मास ऑफ ईच पार्टिकल इज एम, दैट इज 2 kg एंड ए इज 1 meter, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 meter। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस अरे अबाउट वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और रोटेशनल आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इनर्शिया तो होता है सम ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई वन दैट इज दिस, दिस इज 0 बिकॉज पार्टिकल लाइज ऑन वाई एक्सिस, आई फॉर दिस, दिस डिस्टेंस इज 1 meter, दैट इज ए इज 1 meter, मास इज 2, और I का फॉर्मूला हमें पता है, I होता है एम आर स्क्वायर फॉर अ पार्टिकल, एम इज 2, आर इज 1, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 फॉर द आई 2, 2 kg meter square, ऑल्सो फॉर दिस पार्टिकल इट इज 2, फॉर दिस पार्टिकल ए एंड ए बिकम्स 2a, आर बिकम्स 2a, सो दिस इज आई 4 सपोज, सो दिस इज एम आर स्क्वायर, दैट इज एम इज 2, आर इज 2 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 kg meter square, सो दिस इज 8, दिस इज 12 kg meter square, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 12 kg meter square, आंसर इज बी। तो सम करना है हमें, यह नहीं देखना है कि यहां से कितना डिस्टेंस है, यहां से कितना डिस्टेंस है, एक्सिस से डिस्टेंस ली जाती है, यह डिस्टेंस सीधे सीधे 2 meter हो जाएगी, यह 1 meter है, यह 1 meter है। पार्टिकल अगर एक्सिस पर लाया करता है, पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसके लिए 0 लिया जाता है। अगर यह स्फीयर होता तो उसकी रेडियस के हिसाब से हम आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, जैसे कि हम फॉर्मूला देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स रोटेशनल इनर्शिया, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फॉर्मूले जो होते हैं वो बड़े काम की चीज है, आप फॉर्मूले देखकर बता सकते हैं कि यह किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता। एम इज द मास, तो आई मास पर डिपेंड करता है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि मास किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो और हम वह भूल जाए,
तो इनका दूसरे रिलेशंस या आपस में रिलेशंस भी ध्यान रखना चाहिए। आर आर इज द डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील के डायमीटर पर डिपेंड करेगा क्योंकि एम आर स्क्वायर, अगर एक व्हील की बात करें, व्हील को अगर डिस्क की तरह लें तो डिस्क के लिए आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन व्हील बीच में से थोड़ा स्पोक्स होते हैं आप जैसे कि जानते हैं, तो वहां दूसरे फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर तो हो गई और वह डायमीटर पर डेफिनेटली डिपेंड होगा, इसलिए आंसर यह नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर तो डिपेंड करता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास जितना ज्यादा होगा दूर उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यह आर बेसिकली मास की डिस्टेंस है, पॉइंट मास का फॉर्मूला है यह। स्पीड ऑफ रोटेशन का यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है एम और आर से, किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं है, सो द आंसर इज डी, स्पीड ऑफ रोटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ रोटेशन, और यह याद रखने वाली बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा हमें दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, जैसे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है तो उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि हम अज्यूम करते हैं हमेशा, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे जिसका मास डी एम है, और एक्सिस से डिस्टेंस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस से डिस्टेंस सपोज आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से डिफाइन होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है आर स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम विद इन द एप्रोप्रिएट लिमिट्स। तो लिमिट्स तो हमें चूज करना होती है, अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग लिमिट्स हो सकती है, और एम जो, जहां तक मैं यहां सबसे जरूरी बात मेंशन करूंगा, एम इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस का फंक्शन होगी तभी डीएम फाइंड कर पाएंगे, और तभी हम कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग करके आर स्क्वायर डी आर के टर्म बना के इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, यह हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक रॉड लेते हैं जिसके एक एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, दिस इज द कंटिन्यूस मास विद मास एम एंड अ लेंथ एल, दिस इज द रॉड, रॉड ऑफ थिन रॉड कहूंगा मैं यहां पर, विथ मास एम एंड लेंथ एल। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यदि आप एक छोटा सा पार्ट लेते हैं उसे ओरिजिन से डिस्टेंस उसके लेते हैं आर, और इस छोटे से पार्ट की विथ अगर आप लेंथ लेते हैं तो यह सपोज डी आर है, दिस इज डी आर। तो आप देखिए यह लेंथ अगर एल है तो मास पर यूनिट लेंथ फाइंड किया जाना चाहिए, अगर सॉलिड बॉडी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया जाता है, मास पर यूनिट लेंथ भी फाइंड किया जाता है, और मास पर यूनिट एरिया भी फाइंड किया जाता है। तो थिन रॉड के केस में यहां पर मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, यह होगा लैम्ब्डा, और लैम्ब्डा डिफाइन होता है, लैम्ब्डा से डिफाइन करते हैं इसे हम, मास डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रॉड, थिन रॉड की लेंथ हुई। तो मास ऑफ दिस पार्ट क्या होगा, इसका मास होगा डीएम, क्योंकि हमें डीएम फाइंड करना सबसे पहले जरूरी है, डीएम फाइंड किया जाना चाहिए। डीएम क्या होगा, डीएम ऑब्वियसली इस पार्ट का मास यदि फाइंड करना हो तो लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डीआर इंटू लैम्ब्डा, डीआर इंटू लैम्ब्डा, तो डीएम हो गया डीआर इंटू लैम्ब्डा, यह ऑब्वियसली या तो आर का फंक्शन होगा या डीआर में इंक्लूडेड होगा। तो आइए देखते हैं यह कितना होगा, यह होगा एम बाय एल डीआर, आप देख सकते हैं एम बाय एल इंटू डी आर। तो अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, हम इंटीग्रेशन पहले लिखते हैं क्या होगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो एक्सिस से डिस्टेंस हो गई, आप देख रहे हैं आर स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस का स्क्वायर लेना होता है, और इसका मास तो डीएम ने पहले कैलकुलेट कर लिया है, यह हो गया एम बाय एल डी आर, तो यह हो जाएगा एम कॉन्स्टेंट है एम, एम बाय एल डी आर। यदि आप 11th क्लास में है तो आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको सीखना चाहिए सबसे पहले थोड़ा सा। और लिमिट देखिए, लिमिट किसकी होती है, जो वेरिएबल होता है, आर इज द वेरिएबल, लिमिट आर की जीरो से लेकर एल तक है, आर की वैल्यू जीरो भी होगी और एल भी होगी, मैक्सिमम लिमिट, लोअर लिमिट आपकी जीरो, अपर लिमिट आपकी एल होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एल। तो यहां पर हम एम बाय एल कॉमन ले लेंगे क्योंकि वह कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम जीरो टू कैपिटल एल। तो आइए देखते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू, एम बाय एल तो कांस्टेंट है, लोअर लिमिट आपकी जीरो है, अपर लिमिट एल है, आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर हो जाएगा
आर क्यूब डिवाइड बाय 3, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर होगा आर क्यूब डिवाइड बाय 3, पावर हम एक से इंक्रीज कर देते हैं और जो नई पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो आर क्यूब बाय 3 हो जाएगा। यहां पर एल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एम एल क्यूब बाय एम एल स्क्वायर बाय 3 अल्टीमेटली होगा, क्योंकि आप देखेंगे एल यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल क्यूब और एल कैंसिल हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा, जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो की तो केस भूल जाइए, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा, जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाय 3। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाय 3 फॉर दिस रॉड। लेकिन एक्सिस की पोजीशन अगर बदल गई, सपोज एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है रॉड के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, और किसी डायरेक्शन में एक्सिस होगा, किसी और पॉइंट से पास होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास के अलावा मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी। तो इस एग्जांपल में आपने जिस तरह से कैलकुलेशन करी है उसी तरह से आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, तो हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। तो आइए देखते हैं आगे, हम अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने जा रहे हैं सर्कुलर हुप के लिए। सर्कुलर हुप कहें और थिन रिंग भी कहा जाता है, थिन रिंग क्योंकि थिन है इसलिए इसकी मोटाई नहीं होती है, क्योंकि अगर मोटाई होगी तो एक्सिस जो है हमारा उससे अलग अलग पॉइंट के डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। अब थिन रिंग है तो देखिए क्या केस हो गई, मास अगर एम लेते हैं इसका हम, और रेडियस ऑफ द रिंग अगर हम लेते हैं आर, तो जितना भी मास है वो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। जितना भी मास देख रहे हैं सारे पॉइंट सारे पार्टिकल्स सभी के सभी पार्टिकल्स आर डिस्टेंस पर है, आर से कम या आर से ज्यादा पर नहीं है। और इसी केस को यदि हम सिंपल सी केस से कंपेयर करें जहां पर एक मास एम है जो किसी पॉइंट पर है और उसकी डिस्टेंस एक्सिस से आर है, तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अगर यह देखें या यह केस देखें दोनों में एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस जरूरी है, एक्सिस के अलोंग सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी लेंथ या डिस्टेंस कहे। तो यह हो जाएगा एम आर स्क्वायर, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट, यहां किसी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब हॉलो सिलेंडर की बात करें तो हॉलो सिलेंडर किस तरह से होता है, हॉलो सिलेंडर इज लाइक दैट, यह एक्सिस पास हो रहा है उसके एक्सिस से, सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, यह एक्सिस है उसका, और हॉलो सिलेंडर में भी आप जो भी मास देखेंगे सारा मास हॉलो सिलेंडर में, एक और बात देखें इस फेस का कोई मास नहीं है, यहां पर कोई मास नहीं है, सारा मास रिम पर है, सारा मास इस पूरी कर्व सरफेस पर है, प्लेन सरफेस पर हम जो कहते हैं नहीं है, तो सारा मास कर्व सरफेस पर है, और मास सपोज उस सिलेंडर का एम है, तो सारा मास किसी भी पॉइंट को देखिए, एवरी एंड ईच पार्टिकल ऑफ द सिलेंडर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर की मैं डिस्टेंस बता रहा हूं आपको, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, सबके लिए आप देखेंगे आर होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर के अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारा मास सारा पार्टिकल्स आर डिस्टेंस पर है, तो हॉलो सिलेंडर के लिए यह हो गया। अब सॉलिड सिलेंडर की केस देखते हैं, और सॉलिड सिलेंडर की केस देखने के पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क फाइंड कर लेना चाहिए, लेकिन डिस्क की बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क। तो आइए डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। डिस्क की थिकनेस हम नहीं ले रहे हैं, थिकनेस अगर लेंगे तो भी और नहीं लेंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इस थिकनेस के कारण तो एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन मास जो भी है एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, सपोज हम आर डिस्टेंस लेते हैं, इस डिस्क की रेडियस हम लेते हैं कैपिटल आर और मास लेते हैं कैपिटल एम, तो हम देखते हैं अगर कैपिटल एम मास है कैपिटल एम रेडियस है, तो आर डिस्टेंस पर किसी एन रिंग की बात करते हैं जिस रिंग की विड्थ डी आर है, तो डी आर विड्थ की एक रिंग है, तो यहां आपको फॉर्मूला फिट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, तो इसके लिए आपको डी एम फाइंड करना होगा इस रिंग का, क्योंकि आप सिमेट्रिक रिंग्स कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट चेंज करेंगे, पूरे पार्ट को कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में लेंगे, बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलकर यह डिस्क बनाती है, तो यह बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए किस तरह से हमें लेना है। तो यह रिंग हो गई, और सपोज एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ
एलिमेंट्री रिंग बोलेंगे उसे हम, एलिमेंट्री रिंग जो हमने लिए डी आर वेट के लिए, डी आर टेंस टू जीरो यानी थिन रिंग हो जाएगी, फिर एलिमेंट्री रिंग थिन रिंग होगी, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग हो जाएगी इसका डिफरेंशियल दैट इज डी ए, इसका डिफरेंशियल एरिया अगर ए हो तो हो तो उसका डिफरेंशियल डी ए कहलाएगा, और आप इस रिंग का एरिया लेना चाहते हैं तो यह हो जाएगा एलिमेंट्री एरिया पाए टू पाए आर डी आर, क्योंकि इस रिंग की रेडियस आर है और उसकी विड्थ डी आर है, तो स्मॉल पार्ट का एरिया जो होगा टू पाए आर डी आर होता है, पाए आर स्क्वायर टोटल रिंग का एरिया हो गया। इस पाए आर स्क्वायर से आप मास डेंसिटी फाइंड करेंगे, मास डेंसिटी फाइंड करेंगे, यह मास डेंसिटी एरिया मास डेंसिटी होगी, एरिया मास डेंसिटी जो होगी एरिया मास डेंसिटी फाइंड करेंगे, और एरिया मास डेंसिटी के लिए आपको टोटल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल मास कैपिटल एम को टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डीएम मास आपका क्या होगा, डीएम मास होगा सीधे सीधे मास डेंसिटी, इसे हम कहते हैं रो, तो रो इंटू डी एरिया, स्मॉल एरिया का मास डीएम होगा तो स्मॉल एरिया की डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम, तो स्मॉल मास डीएम फाइंड हो जाएगा। तो डीएम फाइंड करना सबसे जरूरी है, डेंसिटी फाइंड कर लेना चाहिए और स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ या स्मॉल वॉल्यूम जो भी हो वो फाइंड कर लेना चाहिए। तो डी ए स्मॉल एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग टू पाई आर डी आर होता है, हमने इसका डिफरेंशियल किया है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल से ये फाइंड होता है। तो अगर यहां सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो क्या होगा, रो, रो की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रो डी ए टू पाई आर डी आर, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कैपिटल एम बाय पाई आर स्क्वायर टू पाई स्मॉल आर डी आर, तो यह हो जाएगा डी एम, पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा आपका यहां पर, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप लिख सकते हैं, लिमिट रहेगी जीरो से लेकर आर की वैल्यू जीरो से कैपिटल आर तक रहेगी, क्योंकि यह आर रेडियस जीरो है, यहां पर कैपिटल आर है रेडियस, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो लेना ही होगा क्योंकि आर तो वेरिएबल है, और डी एम, डी एम की वैल्यू यह हमने फाइंड करी है कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एम तो कॉन्स्टेंट है, टू आर डी आर, तो टू एम बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन को हम यहां से आगे इंटीग्रेट करते हैं, ट्वाइस कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर यह कॉन्स्टेंट है कॉमन ले लिया हमने, और जीरो टू आर कैपिटल आर आर क्यूब डी आर होगा यहां पर, टू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर कॉमन है, इंटीग्रेशन करने पर यह मिलेगा जीरो टू कैपिटल आर, लिमिट लिखेंगे हम आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर टू द पावर फोर डिवाइड बाय फोर, कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल आर टू द पावर फोर बाय फोर हो जाएगा, जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और आप देखिए कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ट्वाइस एम आर टू द पावर फोर डिवाइड बाय फोर हो जाएगा, जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, जीरो होने पर हम उसे छोड़ देंगे, यहां पर आर स्क्वायर हो गया, सिंप्लीफाई करें तो ये होगा टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाय टू, तो छोटा सा फॉर्मूला हमने यहां डिराइव कर लिया एम आर स्क्वायर बाय टू। डिस्क के लिए मैंने पहले कहा विड्थ इतना मायने नहीं रखती, विड्थ से कोई लेना देना नहीं है, कितनी थिकनेस है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, सेंटर से यूनिफॉर्म डिस्क की डिस्टेंसेस सर्कल है, और उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू होगा, इस एक्सेस के अबाउट होगा यह, तो हम चलिए इसी के बेस पर सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का देखते हैं क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमने देखा है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, मास एम है आर स्क्वायर बाय टू, तो एम मास की सॉलिड डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क होना चाहिए, डेंसिटी यूनिफॉर्म है और थिकनेस भी यूनिफॉर्म है, नेग्लिजिबल थिकनेस ली जाती है डिस्क की केस में, यह एक्सिस है आपका, और सॉलिड सिलेंडर का भी एक्सिस इसी तरह से उसके सेंटर से पास हो रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर है उसकी, तो आप देखिए यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह इस मास एम के रेडियस आर के सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इतना ही होगा, क्योंकि यहां पर यदि आप डिस्क को एक्सटेंड करें इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, मास का एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, जिस तरह से हमने यहां देखा था। इस रिंग को यदि आप फिर से मोल्ड करें एक होलो सिलेंडर में, तो यह मास नीचे की तरफ एक्सटेंड करके आप इसे होलो सिलेंडर बना सकते हैं, बहुत सारे रिंग एक के नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक रिंग लगाएंगे तो इस तरह से होलो सिलेंडर बन जाएगा, इस तरह से आप बहुत सारे डिस्क लगाते जाएंगे तो आप सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन मास तो चेंज नहीं हो रहा, मास अगर आपने टोटल एम लिया है और डिस्टेंस सेंटर से किसी भी मास की चेंज नहीं होगी,
यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वह डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा, इसका और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, डिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉलिड सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, इसलिए फॉर्मूला सेम होगा। यह समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैं कहूंगा यदि आप किसी रॉड की एक्सिस के लिए लेते हैं, यदि इस पॉइंट को आप पीट पीट कर, जिस तरह से एक लोहार पीट पीट कर इसे लंबी रॉड बना सकता है, अगर लंबी रॉड इस तरह से बना दिया जाए पॉइंट मास को, लेकिन इसके डिस्टेंस आप देखेंगे तो आर ही है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। तो एक्सिस से डिस्टेंस देखना ज्यादा जरूरी है और यह आप सीख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं हम। टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैविंग द सेम मास सेम थिकनेस, डिस्क की थिकनेस होती है आपको पता होना चाहिए, आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल इज डिफरेंट, दैट मीन्स डेंसिटी माइट बी डिफरेंस, डेफिनेटली द डिस्क विद द स्मॉलर रोटेशनल इनर्शिया इज द वन मेड फ्रॉम द मोर डेंस मटेरियल, द वन मेड फ्रॉम द लेस डेंस मटेरियल एंड सो ऑन। सबसे पहली बात हम देखते हैं मास सेम है, मास इज सेम, सपोज दीज आर टू डिस्क, मास इज सेम, रेडियस का क्या होगा, थिकनेस की बात करें सबसे पहले, थिकनेस सेम है, अगर थिकनेस सेम है तो डेफिनेटली रेडियस अलग अलग होगी, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी वॉल्यूम क्या होगा, थिकनेस और सरफेस एरिया, दैट इज एरिया इनटू थिकनेस, टी टी इज द थिकनेस, ऑब्वियसली टी इज द थिकनेस हियर, थिकनेस सेम है दोनों के लिए, टी है थिकनेस दोनों के लिए, तो आप यहां देख सकते हैं डेंसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो डेंसिटी डेफिनेटली अलग अलग होगी, मेट फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल सो डेंसिटी मस्ट बी डिफरेंट, इफ थिकनेस इज सेम मास इज सेम दैट मीन्स डेंसिटी इज डिफरेंट, दैट मीन्स एरिया इज डिफरेंट, सो एरिया इज सपोज A1, एरिया इज A2, एरिया इज डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट बिकॉज डेंसिटी इज डिफरेंट। और डिफरेंट मटेरियल का यही फायदा है, जो क्वेश्चन है उसको तुरंत हम समझ सकते हैं कि यहां R1, अगर यहां पर R1 है, सपोज यहां R2 है, डेंसिटी अगर ज्यादा है तो एरिया कम होगा क्योंकि मास इज कॉन्स्टेंट, और R हमें देखना है, R का ही तो फायदा हमें पता होना चाहिए, I = mr², यहां कोई डेंसिटी नहीं है, यहां पर कोई एरिया नहीं है, यहां पर कोई थिकनेस नहीं है, यहां मास है दोनों के लिए सेम, R जिसके लिए ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए ज्यादा होगा, और डेंसिटी जिसके लिए कम होगी उसके लिए एरिया ज्यादा होगा डेफिनेटली, तो मोर डेंस मटेरियल के लिए आर कम होगा, डेंसिटी ज्यादा है तो आर एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो आर कम होगा, तो स्मॉलर रोटेशनल इनर्शिया उसी का होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सो डी इज हायर आर इज लोअर सो आई इज लोअर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लोअर, सो दिस इज द आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखना है सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और शेल का, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, यह होता है 2/3 mr², m इज द मास ऑफ द हॉलो स्फीयर एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, दिस इज द एक्सिस, एक्सिस हमने यहां पर डायग्राम में बता दिया है कि यह जो एक्सिस है उनके नेचुरल सेंटर से जाने वाला एक्सिस है, सेंटर ऑफ स्फीयर से जाने वाला एक्सिस है, और कोई दूसरे एक्सिस पॉसिबल है लेकिन वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा और वह फाइंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो वह तो हम थ्योरम की सहायता से फाइंड करते हैं, लेकिन यहां पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया, 2/3 mr² कैसे आया, मैं आपको बता सकता हूं, यहां हम इसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, थीटा एंगल ले लेंगे यहां से और डीएम फाइंड कर सकते हैं और फिर इंटीग्रेशन की सहायता से फाइंड कर सकते हैं, ये आप होमवर्क की तरह लीजिए, और इसी तरह से यदि आपके पास होलो स्फीयर का फॉर्मूला है तो सॉलिड स्फीयर का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर लेते जाइए, और जिस तरह से हमने डिस्क का फाइंड किया उसी तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यह होगा 2/5 mr², मास इज एम, रेडियस इज आर, और यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं सॉलिड है तो 2/5 जो कि कम है, 2/3 जो कि ज्यादा बड़ा नंबर है, आप यहां देखिए 2/3 इज अ बिगर नंबर देन 2/5,
यह याद रखिए, और मैं कहता हूं आपको यह भी याद रखना चाहिए 2 + 3 = 5। हालांकि ये आपको याद होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 2 + 3 = 5 होता है। अगर आप यह याद रखेंगे तो यह आसानी से याद रहेगा। सॉलिड जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, हॉलो जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि हॉलो में मास जो है वो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है। सॉलिड में सेंटर के पास में भी मास है, या यू कहें एक्सिस के पास में मास ज्यादा है और वहां पर भी मास है, लेकिन यहां पर ज्यादातर मास एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्फीयर। मास टोटल का सेम है, रेडियस दोनों से की सेम है। ऑब्वियसली मटेरियल अलग अलग होगा, अलग अग अलग मटेरियल में ऐसा पॉसिबल है, और होलोस्फीयर तो नॉर्मली हम एक आइडियल केस ही लेते हैं, लेकिन इट इज 2/3 mr². थिकनेस यहां पर हम बहुत कम लेते हैं, और अगर थिकनेस सिग्निफिकेंट है तो उसे शेल कहेंगे, और शेल के लिए इनर और आउटर रेडियस अलग अलग होती है। तो शेल जो होगी उसकी इनर और आउटर रेडियस अलग अलग होती है, जैसा कि हम जानते हैं इनर रेडियस और आउटर रेडियस हम अलग अलग लेते हैं, r1 होगी सपोज और यह r2 होगी। तो शेल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे इसका, किस तरह से फाइंड किया जाता है। लेकिन सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर को आपको याद करने का जो तरीका मैं बता चुका हूं, 2/3 2/3 ज्यादा जिसका है होलो का है, कम है 2/5 सॉलिड स्फीयर का होता है, 5 2 और 3 आपके पास इस तरह से ये रहेंगे, तो ये आपको याद रहेगा और ये काफी आसान है। तो हम शेल के बारे में बात करते हैं, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से फाइंड करते हैं। शेल में जो मास होता है वह इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें एक इनर और आउटर रेडियस होगी, और यहां पर हमें मास डेंसिटी फाइंड करना होती है। सपोज हम पूरी शेल का मास लेते हैं कैपिटल एम, और आउटर रेडियस हमारे पास r2 है, इनर रेडियस हमारे पास r1 है, तो यहां पर सिग्मा मास डेंसिटी फाइंड करते हैं हम। ऑब्वियसली हम वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी, और यह होगी मास। मास क्या होगा, सबसे पहले आप मास फाइंड कीजिए, मास तो कैपिटल एम होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 pi r³ - r₁³। r³ - r₁³ 4/3 pi r³ वॉल्यूम होता है स्फीयर का, लेकिन यहां पर डिफरेंस होगा हमारे पास 4/3 pi r³ आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिस वॉल्यूम में मास कन्फाइन है उसी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मास डेंसिटी होगी। और अब हम इस मास डेंसिटी की सहायता से आई फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम एक शेल बनाते हैं जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, जिसकी डेंसिटी सिग्मा है और जिसकी आउटर रेडियस r1 है, r2 है हमने डिफाइन की है, और इनर रेडियस r1 है, लेकिन मास आप देख रहे हैं केवल इस एरिया में कन्फाइन होता है, इस वॉल्यूम में कन्फाइन होता है इन द सेंस। तो यह हो गया r1 और यह हमारा हो गया r2। तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं शेल किस तरह से बनाता हूं, एक सॉलिड स्फीयर लिया जाए पूरा r2 रेडियस का, मास कैपिटल m2 है। यहां पर एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, और वो नया कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, वो नया कंसेप्ट है नेगेटिव मास का। तो नेगेटिव मास का कंसेप्ट भी यूजफुल होता है और काफी यूजफुल है, एक प्रॉब्लम की तरह आप इसे ले सकते हैं और एक डेरिवेशन की तरह भी ले सकते हैं। तो यह हमारा एक्सेस हो गया, और इस बड़े स्फीयर सॉलिड स्फीयर की रेडियस हम लेंगे r2 और मास लेंगे m2, डेंसिटी तो ऑब्वियसली सिग्मा लेंगे। अब इसके साथ एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो होगा वह होगा m1 मास का और r1 रेडियस का, लेकिन यह मास हम -m1 लेंगे। क्यों -m1 लेंगे, क्योंकि नेगेटिव मास अगर यहां हम लेंगे, इस नेगेटिव मास को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह एक शेल बन जाएगी। तो इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, तो हमें मिलेगा यह शेल जिसके अंदर रेडियस r1 है। और इस शेल का मास आप कंफ्यूज मत होइए, हमें डेंसिटी कॉमन रखनी है, इसकी 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 डेंसिटी कॉमन रखना है, तीनों की डेंसिटी कॉमन है, और हमने जो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसकी डेंसिटी भी सिग्मा ही है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इन दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज i2 है, जो कि 2/5 सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/5 m² r² और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा -2/5 क्योंकि इसका मास माइनस है, इस बात को ध्यान रखा जाए, इसलिए -m1 कैपिटल एम वन लें या स्मॉल एम वन लें, एम वन लेंगे इसे हम r₁²। तो
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, क्योंकि हम दोनों को मिला के बना रहे हैं। लेकिन सम क्या होगा? अल्टीमेटली यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। तो 2/5 हमने यहां पर कॉमन ले लिया, m2r2² माइनस m1r1² m2 इसका मास है, इसलिए m2 कितना होगा? मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो रो है और वॉल्यूम है 4 बाय 3 पाई आर टू क्यूब। और इसका मास क्या होगा? m1 वो डेंसिटी दैट इज सिग्मा इनटू वॉल्यूम होगा 4 बाय 3 पाई आर1 क्यूब। तो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर, देखिए क्या होगा, i इज इक्वल टू 2/5। सिग्मा आप कॉमन हो जाएगा यहां पर, सिग्मा विल बी टेकन कॉमन, क्योंकि सिग्मा और 4/3 विल ऑल्सो बी टेकन कॉमन, 4/3 और ऑल्सो पाई विल बी टेकन कॉमन। तो सिग्मा 4/3 पाई टेकन कॉमन। m2 की वैल्यू में से हमने यह कॉमन ले लिया, सिग्मा 4/3 पाई कॉमन ले लिया, r2 क्यूब और r2 स्क्वायर यह हो जाएगा r2 to the power 5 माइनस सिमिलरली r1 to the power 5। और सिग्मा की वैल्यू आपने क्या लिखी थी? सिग्मा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सिग्मा की वैल्यू आपने लिखी थी कैपिटल मास m। तो इसका मास यदि आप m लेते हैं तो इसका वॉल्यूम हमने लिया था, डेंसिटी हमने ली थी, सिग्मा इज इक्वल टू m बाय 4/3 पाई r 2 क्यूब माइनस r 1 क्यूब। इस वैल्यू के यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2/5। सिग्मा की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m अपॉन 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा यहां पर r2 to the power 5 माइनस r1 to the power 5, और डिवीजन में हमें r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब तो मिलेगा ही। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने लास्ट इक्वेशन से, हमने विद द हेल्प ऑफ लास्ट डेरिवेशन हमने फाइंड किया है। तो 2/5 m r2 to the power 5। इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं एनुलर रिंग का, एनुलर रिंग का भी हमें इस तरह से फाइंड करना चाहिए, एंगुलर रिंग या हुप, जो यह हमारा थिन हुप था, यह हमारा थिन हुप था, और आप चाहें तो यह एनुलर रिंग का भी फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। एनुलर रिंग के लिए आप, मैं बता दूं, उसकी थिकनेस होती है और उसकी रेडियस r1 और r2 होती है, इनर रेडियस r1 यदि लेते हैं, r2 लेते हैं आउटर रेडियस, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपके लिए लिख लेता हूं, यह मास यदि m है तो यह m बाय 2 r1² प्लस r2² होगा। तो फॉर्मूले बड़े इंटरेस्टिंग है, यहां पर आप देख रहे हैं स्क्वायर्स का सम हो रहा है जबकि बीच में से मास गायब है। आपको लगेगा ऐसा ना हो कि माइनस होना चाहिए, पर नहीं, यह प्लस ही होगा, r1² प्लस r2² होगा। आपको लगेगा कि मास गायब है तो r1 का हटा दो, r2 का ऐड कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपिटल m मास जो है वह पूरी रिंग का है, सिर्फ एनर रिंग का है, सिर्फ आउटर या इनर पार्ट का नहीं है। तो आपको खुद डिराइव करना चाहिए फॉर्मूला एटलीस्ट। तो आइए हम आगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड के केस में देखते हैं क्या होगा। अगर रॉड हमारी है मास m की, एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, यूनिफॉर्म रॉड है, और लेंथ ऑफ द रॉड इज l, l इज द लेंथ ऑफ थिन रॉड लिखना जरूरी है, क्योंकि रॉड अगर थिन नहीं हुई तो उसकी एक रेडियस होगी और यह फिर एक ऐसा सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो रॉड का थिन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक सिलेंडर हो जाएगा जिसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, और उस सेंटर से, सिलेंडर के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा, तो वो अलग केस होगी। तो थिन रॉड होगी तो फिर एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करते हैं इसे हम, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आप इंटीग्रेशन से फाइंड करें तो आपको मिलेगा ml² / 12। आपको याद रखना चाहिए हमने एक एक्सिस, उस एक एंड से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट फाइंड किया था, वो ml² / 3 था। हालांकि इसे शिफ्ट कर सकते हैं हम, बहुत थ्योरम से पढ़ेंगे, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक्सिस हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शीट के लिए, एक रेक्टेंगुलर शीट जिसका मास m है, और यहां पर उसकी दो डायमेंशन होगी, एक तो लेंथ इस तरह से लेते हैं, सपोज यह है हमारा कैपिटल A, कैपिटल A इज दिस विड्थ, उसके मिड पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर है शीट, और आप एक्सिस का ओरिएंटेशन देख रहे हैं, और शीट को जिस तरह से भी है, इसकी
बी डायमेंशन है, लेकिन यह डायमेंशन अलोंग द एक्सिस है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। हम जानते हैं पहले से ही कि अलोंग द एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ जो है एल है, यदि आप इसे फिर से मोल्ड करें और इसकी लेंथ इस तरह से बढ़ा देते हैं, इसे आप डक्टाइल अगर मटेरियल का बना हुआ है तो इसे आप पीट कर इस तरह से फैला भी सकते हैं, रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्म दे सकते हैं। तो सपोज ये रेक्टेंगुलर शीट हो गई हमारी, लेकिन इसकी यह डायमेंशन, यह जो लेंथ है, इसके मिड पॉइंट से पास होने वाला एक्सिस प्लेन में है, यह एक्सिस शीट के प्लेन में है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो आपकी इस एल लेंथ की रॉड का होगा। यहां एल की जगह पर ए ले रहे हैं हम, एम एस स्क्वायर बाय 12। यदि आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं जो शीट के इस एक्सिस से पास हो रहा था, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम बी स्क्वायर बाय 12। यानी यहां पर यह विड्थ सिग्निफिकेंट होगी, यह मिड पॉइंट्स हैं, हमने अप्रोक्सीमेटली लाइन ड्रॉ कर दिए और यह इस डायमेंशन का मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो अलोंग द प्लेन है, इन द प्लेन है यह एक्सिस, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर शीट के प्लेन में यह इंपॉर्टेंट होता है समझना कि एक्सिस कहां पर है, किसके परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान से देखिए कहां पर यह एक्सिस पास हो रहा है और फॉर्मूला किस एक्सिस के लिए लिखा है। तो यह हमारा इस एक्सिस के लिए है और यह फॉर्मूला हमारा इस एक्सिस के लिए है। दिस इज अनदर एक्सिस perpendicular to side B. So let us see more. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन, वैसे तो हमें याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके लिए, इसलिए मैं याद रख रहा हूं। क्या होता है, I is equal to 3/10 capital M R square, where M is the mass of this cone and R is the base circle radius. यह solid cone ले रहे हैं हम, यह आर रेडियस है, रेडियस है बेस कोन की, तो यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन है यह, और इसके लिए आप देख रहे हैं यह बेस रेडियस है। इस हाइट से कोई मतलब नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में हाइट का कहीं भी सिग्निफिकेंस नहीं देख रहे हैं आप, क्योंकि यह अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस हमारा यहां पर है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखें नेक्स्ट, इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं कॉन्सेंट्रिक डिस्क लेकर उसका इंडिकेशन करके। तो आइए हम देखते हैं आगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है डिस्क का, रिंग का, स्पीयर्स का, लेकिन सबका जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है वह उनके सेंटर्स के पास होने वाला एक्सिस के अबाउट फाइंड किया है। नॉर्मली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अलावा दूसरे एक्सिस के अबाउट भी चाहिए होता है, और उसके लिए हम यूज करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की कहां यूज होती है हम देखते हैं। यदि कोई प्लेन बॉडी है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, सबसे पहली बात यहां ध्यान रखिए, इट इज फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिए, इट इज फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट ओनली। और इस प्लेनर ऑब्जेक्ट के यदि आप किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, और यह एक्सिस सपोज आई जेड है जो इस प्लेनर ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसी के प्लेन से पास होने वाले दो एक्सिस आई एक्स आई वाई है, जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर यह एक्स एक्सिस हम एज्यूम करते हैं, यह आई वाई एज्यूम करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं x, y, z तीनों एक्सिस यहां पर परपेंडिकुलर होते हैं, उसी तरह से आई एक्स आई वाई और आई जेड एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई एक्स और आई वाई दोनों एक्स वाई एक्सिस जो है यहां पर प्लेन में है, और आई जेड दोनों के परपेंडिकुलर ऑब्वियसली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो रिलेशन बहुत ईजी है यहां पर, आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई होता है, और जरूरी नहीं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सेंटर से पास हो, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी जगह हो सकता है, बस शर्त इतनी है कि यह दो एक्सिस प्लेन में हो और यह प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो आई जेड जो होगा आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा। इसके हेल्प से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके देखते हैं और कुछ छोटे से एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्क है और उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमें पता है, जो कि होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। यह एक डिस्क है और इस डिस्क के प्लेन में किसी दो एक्सिस को लेते हैं, सपोज परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं जो इस प्लेन में है और सेंटर से पास हो रहे हैं यहां पर, और वह सपोज आई एक्स है और आई वाई है, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह एक्सिस
डायमीटर के अलॉन्ग है डिस्क के, और यह भी डायमीटर के अलॉन्ग है ये एक्सिस, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ऑब्वियसली ये थर्ड एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है सेंटर से पास होने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है यहां पर डिस्क के, यह उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू हमें पता हो। तो हम यहां आई एक्स को सपोज आई डैश लेते हैं, आई वाई को सपोज आई डैश लेते हैं, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ऑब्जेक्ट की, इसलिए यहां पर हम आसानी से देख सकते हैं आई विल बी सिंपली आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज टू आई डैश। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई डैश की वैल्यू आई बाय टू होगी और वो होगी एम आर स्क्वायर बाय फोर, एम आर स्क्वायर बाय फोर। और आप देखिए यहां पर हमने जो आई डैश फाइंड किया है वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय फोर, और इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय फोर होगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से हम सिमेट्री रूल का यूज करते हुए एक्सिस अज्यूम करते जाएंगे, और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए ही ऐसा कर सकते हैं हम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं कि स्क्वायर प्लेट है हमारे पास जिसका मास है एम, कैपिटल एम, और इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड इज इक्वल टू ए। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, अगर एक्सिस प्लेन में लेते हैं, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं आई, तो यह तो हमें पता है यह होता है एम ए स्क्वायर बाय 12, और इसी तरह से यदि हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो वह भी एम ए स्क्वायर बाय 12 होगा। लेकिन यदि हम ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं